Very good morning, students. Welcome to Fun and Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 3rd, Chapter Number 13, Smart Chart Part 2. I hope बच्चों previous part आपने enjoy किया होगा and data collection आपने अच्छे से समझ लिया होगा. इसकी exercise भी आपने textbook में and notebook में repeat कर दी होगी. So आज हम आगे के exercise discuss करेंगे. So let's open your textbook. Now, open your page number 181. In that, find out from the people around you. Talk to the people around you about their favorite sweet and filling the blanks. बच्चो, ये exercise आपको खुद से भी करनी है, but उसको कैसे लिखना है, कैसे सबको पूछना है, वो मैं आपको बता देती हूँ. फेवरेट स्वीट मैं सबको पूछूंगी तो वो बताएंगे जलेबी है, कोई बोलेंगे रसगुल्ला है, रसमलाई है, गुलाब जामुन है, वॉट एवर. जो सबकी फेवरेट स्वीट पहले यहाँ पे लिख देनी है, फिर आप जितने जितने नंबर पीपल्स को पूछेंगे वहाँ पे मार्क करते जाना है. तो आप ये डेटा टैली मार्क से भी कर सकते हो, डायरेक्टली नंबर्स भी लिख सकते हो, है ना. तो मैं और फिर जब डेटा कलेक्ट हो जाए तो हमको नीचे के आंसर भी देखने हैं, जैसे कि मोस्ट फेवरेट सीट किसकी है, लीस्ट फेवरेट सीट कौन सी है वो फाइंड आउट करना है, कौन सी स्वीट किससे ज़्यादा पसंद है ना. तो इसके लिए चलो देखते हैं, पहले टेबल्स बनाया. लुक एट हियर बच्चों, मैंने यहाँ पे फेवरेट स्वीट्स लिख दिए, लिस्ट आउट कर दिया है, जलेबी, रसगुल्ला, रसमलाई, लड्डू, बर्फी, कलाकंद, ऐसे स्वीट्स, अलग अलग स्वीट्स नाम लिख दिए हैं. इसके आपके में भी स्वीट्स अलग भी हो गए. फिर मैंने नंबर ऑफ पीपल से पूछा है तो वो ये डेटा टेंटेटिवली मैंने बनाया है. जैसे कि जलेबी 20 लोगों को पसंद है, रसगुल्ला 18 लोगों को पसंद है, रसमलाई 25 लोगों को, लड्डू 22 लोगों को, बर्फी 17 लोगों को, कलाकंद 15 लोगों को पसंद है ना. तो अभी ये मेरा तो चार्ट रेडी हो गया. फिर सबसे ये चार्ट में ये टेबल को ऑब्जर्व करो और बोलो कि सबसे मोस्ट फेवरेट स्वीट कौन सी है. तो इट्स अ रसमलाई, क्योंकि 25 लोग हैं, सबसे ज़्यादा है. और सबसे कम कौन सा नंबर है, दैट मीन्स 15. तो 15 लोगों की ये कलाकंद फेवरेट है ना, जो लीस्ट फेवरेट स्वीट है. फिर नेक्स्ट हमको डैश डैश नेम ऑफ द स्वीट लिखना है ना. रसगुल्ला इज लाइक मोर देन बर्फी. तो बच्चों रसगुल्ला कितना है, यस 18 है, एंड बर्फी इज 17 है. दैट मीन्स रसगुल्ला ये सबको ज़्यादा पसंद है बर्फी से, राइट. आप ऐसे अलग कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, जैसे कि जलेबी लाइक मोर देन रसगुल्ला, ऐसे भी लिख सकते हो. रसमलाई लाइक मोर देन जलेबी, ऐसे भी लिख सकते हो. डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो. मैंने यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, आगे के कॉम्बिनेशन आपको बनाना है. जैसे लड्डू लाइक मोर देन कलाकंद, तो लड्डू 22 है एंड कलाकंद 15 है, तो उससे ज़्यादा ही हुए ना, यस. रसगुल्ला इज लाइक मोर देन बर्फी, रसगुल्ला इज लाइक मोर देन बर्फी, ये भी राइट है ना कॉम्बिनेशन. तो मेक योर ओन टेबल, ऐसे ही आपको खुद का टेबल बनाना है एंड खुद के आंसर लिखने हैं. दिस आंसर इज वेरी टू स्टूडेंट टू स्टूडेंट. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आस्क यूर फ्रेंड्स अबाउट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन देयर होम, है ना. उनके फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं, तो उस हिसाब से आपको नीचे का टेबल फिल करना है ना. शुड आई मेक अ स्मार्ट चार्ट अबाउट स्मार्ट हॉर्सेस लिविंग टुगेदर, है ना. तो स्मार्ट चार्ट पीपल के जगह आप हॉर्स का भी कर सकते हो, है ना. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग टुगेदर, अलोन, हाउ मेनी फैमिली, एक
फैमिली में एक ही मेंबर रहता है, ऐसे कितनी फैमिलीज है, किसके फैमिली में दो पीपल्स रहते हैं, किसकी फैमिली में थ्री रहते हैं, फाइव रहते हैं, सिक्स पीपल्स रहते हैं, सेवन पीपल रहते हैं, एट, एंड इट मे बी इंक्रीजेस, राइट। सो अभी इसका टेबल बना के हमको नीचे के क्वेश्चन के आंसर भी लिखना है, जैसे कि मोस्ट फैमिली हैव डैश डैश पीपल लिविंग इन देयर होम। तो बच्चों विदाउट दिस टेबल वी कांट आंसर दी बिलो आंसर, है ना। तो इसके लिए हमको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर पीपल लिविंग इन द होम, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, और द नंबर ऑफ फैमिली फोर हैविंग फोर पीपल। तो ये हम विदाउट टेबल ये इंफॉर्मेशन हम बता नहीं सकते, इसलिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, यस इंफॉर्मेशन गैदर करने की। तो चलो गैदर करते हैं। लुक एट हियर बच्चों, मैंने अभी ये टेबल बना दिए है, नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग टुगेदर, हाउ मेनी फैमिलीज। तो वन अलोन ऐसे टू फैमिली मिली, दो पीपल रहते हैं ऐसे फाइव फैमिली मिली, थ्री पीपल रहते हैं ऐसे एट फैमिली मिली, फोर पीपल मिले ऐसे सिक्स फैमिली मिली, फोर, ये मेरा डेटा कलेक्शन हो गया। नाउ मोस्ट मोस्ट फैमिली हैव कितने पीपल्स है, सबसे ज्यादा कितना कौन सा नंबर है, यस ए। तो मोस्ट ऑफ पीपल हैव थ्री पीपल इन देयर फैमिली एज पर माई डेटा, है ना। ये डेटा आपके यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन होम इज वन अलोन, अरे एट पीपल्स, है ना, एट पीपल्स की एक ही फैमिली है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया नंबर। नाउ नंबर ऑफ फैमिली हैविंग फोर पीपल इज, फोर पीपल की कितनी फैमिलीज है हमको फाइंड आउट मिली, सिक्स। तो मैंने यहाँ पे सिक्स लिया है, तो आपका डेटा क्या बोल रहा है, फाइंड आउट, है ना, डू इट इन योर होमवर्क। अभी नाउ बच्चों आगे का एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट हैव योर क्लासमेट बॉट लंच टुडे, है ना, फाइंड आउट एंड नोट डाउन। तो बच्चों आपके फ्रेंड्स को आपको याद होगा कि कौन किस में क्या लंच में लाता था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखने हैं एंड फूड आइटम्स लिखनी है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये डेटा कलेक्ट करके आपको आंसर लिखना है, फूड आइटम बॉट लंच बिगेस्ट नंबर, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फूड आइटम में क्या लाते थे, तो वो आपको लिखना है। फूड आइटम बॉट स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे कम फूड आइटम कौन सी है, लिस्ट आउट, है ना। अभी तो आपके आपके क्लासमेट तो नहीं है आपके पास में, पर आपके सोसाइटी के बच्चों में आप बता सकते हो, फूड आइटम्स लिख सकते हो यहाँ पे, फिर नंबर ऑफ फ्रेंड्स कौन सबसे ज्यादा कौन लंच में क्या लेके जाता है वो गैदर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, है ना। और इस हिसाब से आपको ये होमवर्क में नोट डाउन करना है, टेबल बनाना है, राइट। नाउ गेटिंग अ स्मार्ट चार्ट विथ, गेटिंग अ स्मार्ट विथ चार्ट, है ना। तो बच्चों इसमें आज देखेंगे अटेंडेंस बोर्ड है ना, अटेंडेंस बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास वन में, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, स्टूडेंट प्रेजेंट कितने हैं, स्टूडेंट अब्सेंट कितने हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, यस इनके टोटल निकालना है, क्लास वन टू फाइव कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, राइट डाउन हियर, प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं, राइट डाउन हियर, एंड अब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं, टोटल इस राइट डाउन हियर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों ऐड करते हैं, लुक एट हियर, सी 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 2 is 16, 16 + 5 is 21, तो 1 और कैरी 2, 2 + 2 is 4, +2 6, +2 8, +2 5, sorry, +2 10, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, एंड 2 5 = 10, यानी 10 हो गया, +2 12, तो 121 स्टूडेंट्स हुए।
टोटल कितने हुए हैं 121 स्टूडेंट्स, एंड प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं, तो बच्चों 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8, 8 + 8 = 16, 16 + 3 = 19, तो 19 और कैरी 1, 3 + 2 = 5 + 2 = 7 + 1 = 8, 8 and 2 = 10, तो 109 is present है, 10 present है, और absent कितने हैं, 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 और 12 लोग क्या हैं, yes, absent हैं, right, 12 लोग absent है ना। अभी दिस बोर्ड शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास, इट ऑल्सो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट एंड absent, हाउ मेनी चिल्ड्रंस ऑल आर देयर इन द स्कूल, तो कितना होगा 121, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर absent ऑन द डे, तो डेट लिखी हुई है, यानी 8 फरवरी 2007 में एबसेंट स्टूडेंट कितने थे बच्चों, टोटल यस 12 स्टूडेंट्स थे, है ना, बराबर। तो अभी दिस चार्ट शोज द नंबर ऑफ एबसेंट स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट एबसेंट स्टूडेंट शोन बाय ये मार्क से बनाया हुआ है ना। Now in the chart shows absent student of the class 5. तो class 5 में कितने absent students है बच्चों? Yes, 2. तो हमको क्या करना पड़ेगा? Yes, 2 ऐसे pictures बनाने पड़ेंगे, है ना? This is pictograph. Got it? Okay. Now look at the chart and filling the blank. The class is the highest number of absent student. तो बच्चों किसमें ज्यादा highest students absent है? Yes, class 4. Class with the least number absent student is. कितने students सबसे कम किसमें है? Standard 2nd में, है ना? Class 3 में students absent कितने हैं? क्लास 3 में बच्चों यस 3 स्टूडेंट्स, है ना, 3 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट 4 एंड 5th आर, 4 में कितने बच्चों, यस 4 में 4 स्टूडेंट्स हैं एंड 5th में 2 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे 4 एंड 2 ऐसे लिख सकते हो, गॉट इट, है ना। Make a group of 4 and cut the stripe waste paper and the stripe should be of the same width होनी चाहिए। Measure a length of each student hand and with the paper strips. Cut the strips and write down the name of the students. है ना? आपको ऐसे strips बना के number of students नाम लिखने हैं। जैसे कि रोहन, जैकॉब, गीता also measure their hands, they struck their strip down, length of the hand, रोहन की 8 सेंटीमीटर है, गीता की 9 सेंटीमीटर है, जैकॉब की 10 सेंटीमीटर है। बच्चों आप भी आपका हैंड का ऐसे मेजर बना के स्ट्रिप को कट करके आपका नाम लिख सकते हो, है ना, और फिर ऐसे स्ट्रिप बना के लगाना है। तो ये कौन सा ग्राफ बन गया बच्चों? यस इट इज बार ग्राफ, है ना। अभी लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, अभी ये जो बार ग्राफ है इसमें से हमको आंसर लिखना है। द लेंथ ऑफ द जैकॉब हैंड, जैकॉब हैंड इज डैश डैश लेस और मोर देन गीता। जैकॉब का हैंड कितना है? 10 है और गीता का 9, तो ऑब्वियसली जैकॉब हैंड इज मोर देन गीता,
द लेंथ ऑफ गीताज हैंड इज मोर और लेस देन रोहन हैंड. गीता का हैंड 9 सेंटीमीटर है, रोहन का 8 है. तो गीताज हैंड इज मोर देन रोहन हैंड, है ना. डैश डैश हैज लॉन्गेस्ट हैंड, तो आएगा जैकब. राइट डाउन हियर जैकब. एंड डैश डैश हैज शॉर्टेस्ट हैंड, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का क्या है, रोहन. तो रोहन का नाम लिखा. नाउ इन द चैट बिलो स्टिक द स्ट्रिप ऑफ ऑल द फ्रेंड्स इन योर ग्रुप एंड कीप सम स्पेस बिटवीन द स्ट्राइप. तो बच्चों आपको आपके फ्रेंड्स का यहाँ पे स्ट्राइप्स ऐसे स्टिक करना है ना. एंड ये बार ग्राफ बनाना है. दिस इज योर होमवर्क. यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. बाय.